फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्वार्टर गेट पर। यहाँ पे देखा गया कि अचानक बीच में ये ब्रेकर चलाकर खड्डा खोदा जा रहा है और यहाँ पर पूर्व कॉरपोरेटर मलिक मोमिन भी मौजूद है। चलिए हम उनसे पूछते हैं कि अचानक के खड्डे के बारे में और ये क्या माजरा है, पूरा उनसे जानकारी लेते। मलिक सर, क्या कहेंगे आप, ये अचानक बीच में रोड में खोदा जा रहा है क्यों? साहब, ये रोड जो है ना, बारिश से पहले बना है और ये तुम्हारा ईगल वाले ने जो ड्रेनेज डाल के गया, अच्छा, उसके बाद जब रोड बना तो हमने उनको जब ही आगाह किया था कि जो चेम्बर है सब निकाल लो, यहाँ से लेके कम से कम वहाँ तक 8-10 चेम्बर होएगा। अच्छा, अच्छा। अब ये पोजीशन हो गई कि ये लोग ने रोड ऊपर बना के चले गए। अच्छा, तो ये चेम्बर नीचे है, चेम्बर ड्रेनेज का नीचे है। अच्छा, अभी देखो इतना तक खोद दिए, 2-2 फीट खोद दिए, मिल नहीं रहा है। अभी ये ड्रेनेज वालों को बुलाए हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ है, यहाँ है, जहाँ पर अंदाज बता रहे हैं वहाँ खोद रहे हैं। अच्छा, अभी सुबह में मैंने कमिश्नर साहब से बात करी, उसके बाद जिंजाल साहब से बात करी, उसके बाद जो ड्रेनेज लाइन का जो हमें हमारे ऑफिसर है जीवन छोड़ो ने, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने बोले क्या करने का, मैं ये प्राइवेट आदमी लेके आया और खोद रहा हूँ, ये जो इस्लामपुरे की पूरी लाइन है। तो ये खोदने का मकसद क्या है, यानी इसके वजह से पूरा ब्लॉकेज है क्या? ये इस्लामपुरे की पूरी लाइन, ये क्वार्टर गेट की इस्लामपुरे की पूरी लाइन, अच्छा, ये राम मोहन वाली पूरी लाइन, ये जैतुलपुरी की पूरी लाइन, ये पूरी चौकअप हो गई है। वहाँ तक जितने चेम्बर हैं, हम लोग ड्रेनेज की गाड़ी लगा के थक गए। आज 20 दिन से हम लोग हैरान हैं और कंटिन्यू इसके बारे में कंप्लेंट दी जा रही है। आज मैंने ऐसा कदम उठाया कि खोद के कम से कम एक चेम्बर निकालूं। मैं यहाँ पे कॉल करूँगा सर, ये कल की बारिश की वजह से ऐसा कर रहे हो कि पहले से ऐसी तकलीफ थी? ये आज 20 दिन से है, ये 20-25 दिन से ये कहानी है। पूरे पूरे इधर के लोगों से आप पूछिए, मालूम पड़ेगा। आज ये हाल है कि लोग अपने शौचालय में से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये घर के अंदर सब शौचालय बाहर आ रहा है, जितने भी महिला है बाहर आ रहे हैं, जितने गंदे पानी है चालू हो गए, ये हाल है इनकी। ठीक है ठीक है, हम यहाँ के स्थानीय से भी बात करना चाहेंगे। चाचा, आप यहीं रहते हो? हाँ, ये हमारे भाई। क्या तकलीफ हुई थी जो आप मलिक भाई के पास गए थे, बताइए। मलिक भाई के पास इसलिए गए थे कि हम 2-3 मरदा प्राइवेट आदमी बुला के साफ करें, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो तुम्हारा साफ हो जा रहा है, सेक्शन भी लेके आया एक मरदा, इन्होंने सेक्शन भी लाया, उसके बाद में वो पानी निकाले, बोले अभी गणपति है, आपको थोड़ी देर के बाद में आराम मिल जाएगा 4-5 दिन, फिर बाद में गणपति होने के बाद में हम करवाएंगे। अब गणपति भी हो गई है, उसके बाद में मलिक भाई को बोलता हूँ, इनके घर में पानी जा रहा है, हमारे भाई है ना अल्ताफ भाई, उनके घर में पानी जा रहा है, पूरा उनका भरा हुआ है मोरी। तो अभी आज मैं मलिक भाई को बोला, आज इसको कर लो, सब परेशान है, तो इन्होंने अभी आज ये काम शुरू किया है। देखा आपने किस तरह से यहाँ पर लोग, यहाँ पे गलती किसकी निकल के आएगी, ये भी एक कन्फ्यूजन है कि ये ड्रेनेज वालों की गलती है कि मनपा की गलती है, क्योंकि यहाँ पर जो चेम्बर होता है उसे ढक दिया गया है। ये भी एक बड़ा टास्क है कि ये वो चेम्बर ढूंढ के निकालना है यहाँ से, क्योंकि मलिक भाई ने बताया यहाँ पर कि यहाँ पर लोकल आदमी यानी अपने प्राइवेट आदमी लगाकर काम कर रहे हैं, ना तो यहाँ कोई मनपा का अधिकारी है, ना ही कोई MMRDA और ना ही कोई ईगल कंपनी का आदमी है। तो इस तरह से लापरवाही की जा रही है, इसके वजह से पूरे मोहल्ले के काफ़ी लोग ज़्यादा परेशान थे। आइए देखते हैं कब तक ये चेम्बर मिलता है और ये आगे कब तक काम होता है। इसी तरह हमारा चैनल देखते हैं लाइव इन ग्वेंटी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।